नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी हमारे काम को बहुत ही सराहते हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश होती है कि आपको हेल्थ के बारे में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हम प्रदान करते रहें। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये फल है चकोतरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फल के कुछ पोषक फायदों के बारे में बताने वाले हैं और किन-किन सूरतों में नुकसानदायक हो सकता है उसकी भी आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चकोतरा नींबू और संतरे की प्रजाति का एक फल है। संतरे की बजाय इसमें सिट्रिक एसिड अधिक और शर्करा कम होती है। इसके कच्चे फल का रंग हरा और पकने के बाद हल्का हरा और पीला होता है। चकोतरे में नींबू और संतरे के सभी गुण पाए जाते हैं। इसका स्वाद खट्टा और कुछ मीठा होता है। चकोतरा की खेती सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में की गई। चकोतरा के रस का एक गिलास दोस्तों विशेष रूप से सर्दियों में विटामिन सी के अपने स्तर को गंभीरता से बढ़ावा देता है। चकोतरा में पोटेशियम और लाइकोपीन सहित विभिन्न पोषक तत्व और विटामिन मौजूद होते हैं। इनके साथ में कैल्शियम, शर्करा, फास्फोरस भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसे इंग्लिश में ग्रेप फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ग्रेप फ्रूट विटामिन ए और सी से भरपूर होता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, चकोतरा फाइबर और कैलोरी में कम होता है। इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स और अन्य पौध रसायन होते हैं जो गंभीर रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, ट्यूमर के गठन से बचाते हैं। चकोतरा शरीर की चयापचय की दर को भी बढ़ाता है और इंसुलिन के स्तर को कम कर देता है। यह थकावट, बुखार, मलेरिया, शुगर, कब्ज, अपचन, मूत्र समस्याओं, अतिरिक्त अम्लता और कई तरह की समस्याओं से लड़ने में मानव शरीर की सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, चकोतरा में कई प्रमुख स्वास्थ्य लाभ, जो शक्तिशाली दवा जहर को निकालने वाले भी होते हैं। यह भाई घावों के लिए एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में वर्क करता है और यह एक लीवर टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, कई अन्य पदार्थों और भोजन की तुलना में चकोतरा एक उत्कृष्ट भूख को कम करने वाला काम करता है। यह कहा जाता है कि चकोतरा की गंध भूख की भावना को कम कर देती है। यही वजह है कि लोग अक्सर वजन घटाने वाले आहार में चकोतरा को शामिल करते हैं। दोस्तों, इस फल में बहुमूल्य और प्राकृतिक क्विनिन होता है जो मलेरिया के उपचार में लाभप्रद होता है। क्विनिन एक प्रकार का एल्कलोइड होता है जो मलेरिया के इलाज के साथ साथ ही गठिया और पैर की ऐंठन का भी इलाज करता है। क्विनिन को आसानी से इसकी लुगदी को दबाकर निकाला जाता है। दोस्तों, यह फल थकान के उपचार में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आपको सामान्य या उबाऊ काम से होने वाली सामान्य थकान को कम करने में मददगार होता है। दोस्तों, अपच की समस्या को सुलझाने के लिए इस ग्रेप फ्रूट को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में यह बहुत हल्का होता है और इस प्रकार पेट में होने वाली गर्मी और जलन को ठीक करने में, अपच से तुरंत राहत दिलाने में काफी उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, यदि बिस्तर पर जाने से पहले इसके एक गिलास रस का सेवन किया जाए तो इससे स्वस्थ नींद को बढ़ावा, परेशानी के लक्षणों में कमी और अनिद्रा के नतीजों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ताजा चकोतरे का रस पाचन के बाद क्षारीय प्रतिक्रिया पैदा करता है। फल का साइट्रिक एसिड मानव शरीर में मौजूद है और इस प्रकार पाचन के बाद क्षारीय प्रतिक्रिया का प्रभाव बढ़ जाता है। चकोतरा से निकाले जाने वाला रस एसिड गठन को रोकता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त अम्लता की उपस्थिति के कारण कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुबह खाली पेट चकोतरा के रस का सेवन कब्ज को कंट्रोल करने में एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। यह रस पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथिग्रंथ और शरीर के अन्य हिस्सों को उत्तेजित करता है। यह एक तरल पदार्थ के स्त्राव और उत्तेजना पर फाइबर के उत्तेजक प्रभाव के कारण होता है, जो आंतों के कार्य को प्रेरित करता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रेप फ्रूट का रस पोटेशियम और विटामिन सी से समृद्ध है।
इसलिए यह खतरनाक रूप से कम पेशाब के लिए सबसे अच्छा उपचार माना जाता है, जो कि अक्सर लीवर, किडनी, हृदय की समस्याओं का कारण होता है। दोस्तों, कैंसर के इलाज में भी यह सहायक माना गया है। आंखों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस फल का उपयोग किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, लीवर को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, किडनी स्टोन से बचाकर रखता है और त्वचा को भी चमकदार बनाता है। तो दोस्तों, ये थे चकोतरा के लाजवाब फायदे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए चकोतरा के भी कुछ नुकसान होते हैं जिनको भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। दोस्तों, चकोतरा के रस में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कुछ दवाओं का असर को कम कर देते हैं और उनसे मिलकर शरीर में हानिकारक रासायनिक यौगिक बना सकते हैं। इन सभी स्वास्थ्य लाभों के बावजूद और तथ्य यह है कि कभी कभी ग्रेपफ्रूट उनकी प्रभावकारिता में अन्य दवाओं से बेहतर हो सकता है और आप एक ही समय में दवा लेने और इसका रस लेने के लिए सावधान रहना चाहिए आपको। चकोतरा के कुछ रसायन जैसे कि नेरिगिंग और अन्य काम सामान्य यौगिक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रूप से विभिन्न दवाओं से इंटरेक्ट हो सकते हैं और आपके अन्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी नए उपचार की शुरुआत से पहले अपने आहार में इसके रस के साथ दवाओं की इंटरेक्ट के मामले में अपने डॉक्टर से आप परामर्श जरूर कर लें। यानी कि अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो अगर आप कुछ दवाओं का सेवन करते हैं किसी विशेष समस्या के चलते हैं, तो इस फल का आप सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी चकोतरा फल के बारे में, क्या क्या इसके फायदे होते हैं और किन किन सूरतों में नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।